वर्तमान समय में इंसानियत दिखना कम ही नहीं, आने वाले समय में एक शब्द बनकर रह जाएगा। आपको बताते चले, दौरारा कोतवाली क्षेत्र के मल्लवेहड़ गांव में सुबह लगभग 10 बजे के आसपास ममता गुप्ता खाना बनाने जा रही थी, तभी उनके पति संतोष गुप्ता से किसी बात को लेकर बहस हो गई। जबकि संतोष गुप्ता शराब के नशे की हालत में था, उसने अपना विवेक खो दिया और कुल्हाड़ी से अपनी ही पत्नी ममता गुप्ता पर ताबड़तोड़ कई प्रहार करके मौत के घाट उतार दिया। ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। कोतवाल ने आरोपी पति को जल्द ही गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया।